अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाने वाले हैं आलू की चाट, जो कि पापड़ों से खाई जाती है। दो तरीके के बनाएंगे। हमने ऑयल गरम कर दिया है और ऑयल गरम करने के बाद हमने अपने पापड़ तल लिए हैं, क्योंकि पापड़ से खाई जाने वाली चाट है, तो इसलिए हमने पापड़ ज़्यादा तले हैं, क्योंकि ज़्यादा अफराद हैं। आप ये मत समझिएगा कि हम बहुत सारा खाने वाले हैं, हमारे अफराद ज़्यादा हैं, तीन फैमिलियाँ हैं, तो तीन फैमिली के हिसाब से पापड़ हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कैबेज जो कि बारीक बारीक काट लिया है, टमाटर वो भी बारीक बारीक काट लिए हैं, प्याज वो भी बारीक बारीक काट लिया है, और हरा धनिया हरी मिर्ची भी काट ली हैं, ठीक है। हमने बॉयल कर लिए थे आलू, उनको कर लिया है चॉप। चॉप करने के बाद उसमें डाला हमने मैदा। मैदा डालने के बाद अब हम इसको कर रहे हैं फ्राई। ये है हमारी फर्स्ट आलू की चाट, क्योंकि दो बनेंगी, ये हमारी फर्स्ट वाला है। तो मैदा डालने के बाद इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसको डीप फ्राई करना है। ये देखें, ये हमारा ऑयल, इसके अंदर हमने डीप फ्राई कर दिया। देख रहे हैं आप कितना सारा ऑयल है, उसके अंदर डीप फ्राई हो रहे हैं। ये बिल्कुल क्रिस्पी कड़क हो जाएंगे, तो फिर हमें इसे निकाल लेना है एक बाउल में, ठीक है। ये हो गया हमारी क्रिस्पी। आवाज़ देखें कितना क्रिस्पी क्रिस्पी हो रहे हैं। इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल हमने निकाल लिया और इसको हम डाल रहे हैं एक बाउल में, और बाकी हम बाकी के फ्राई करने शुरू करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हमने डाला जीरा पाउडर, कितना चम्मच डाले? एक टीस्पून। नमक डाला हद जायका, ये है चाट मसाला, होममेड चाट मसाला, ये है चाट ट्री। नहीं बस। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू चाहे आपकी चाट, आलू के खट्टे आलू कहते हैं, खट्टे आलू की चाट, वो विविध रेसिपी माय भाभी, मेरी भाभी की रेसिपी है। ये देखें, आलू को हमने बॉईल किया और फिर फ्राई किया। फ्राई करने के बाद इसमें हमने प्याज डाली, नहीं नहीं नमक, अच्छा नमक, जीरा, कुटी मिर्च, चाट मसाला और टाटरी, ये डाल के हमने मिक्स कर लिया। अब इसके बाद ये ऊपर से प्याज डाल रहे हैं, ये भी प्याज थोड़े से पहले भी बचा दिएगा प्लीज, मेहरबानी करके। अच्छा, दो रेसिपियाँ बन रही है ना, तो पहले एक दो आलू बन रहे हैं, दो किस्म के आलू, फिर उसके बाद हमने ये है खीरा है, खीरा डाला, खीरा पूरा डलेगा, पूरा डलेगा, दिख नहीं रहा ना बिल्कुल भी। अच्छा, खीरा डाला, ये हमने खीरा डालने के बाद सारे टमाटर डाले, देखिए टमाटर देखें, ये हमने सारे डाल दिए। टमाटर भी डाल दिए, फिर चटनी, इसके बाद इसके अंदर डलेगा खट्टी मीठी इमली की चटनी। उसकी रेसिपी बहुत आसान है। इमली भिगो दी थी और उसको हमने कुटलियाँ निकाल के एक पैन में चढ़ा दिया था, नमक मिर्ची और चीनी और ज़ीरा डाल के, और इतना गाढ़ा कर लिया कि देखें ये बन गई हमारी चटनी। ग्रीन चटनी, ग्रीन चटनी हमने पहले से बना के रखी हुई थी, बना के हमेशा रखते ही हैं, तो वो डाली थी। ये हमारे भाई हैं, बीच में ब्लॉग में आने का शौक बहुत है, आ जाए आलिया ना, अभी बीच में अब नहीं आएंगे, ये एकदम बोले। ये देखिए हमने सारी इसमें ग्रीन चटनी, अगर आप जैसे टेस्ट के उस पर अगर ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डालें, बाकी सही है। मिक्स करेंगे अब इसको अच्छे से, इसको मिक्स करेंगे। मिक्स हो गया, हमारी चाट बन गई है। अब हम चले, अब ये पहले ही देखें, अब इसका अगर देखें दाल मोट वगैरह क्या डालेंगे इसमें, क्या क्या डालेंगे, दाल मोट वगैरह चलेगी, ये देखिए दाल मोट यूज कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बस, ये गार्निश के लिए हम थोड़ी थोड़ी सी डाल दें। ये हाथ आ रहा है इनका गरीबों का, आ जाओ आ जाओ आओ गरीब, ये देखो ये इनको ज्यादा शौक है खाने का, ये लो ये खाओ। अरे तो और तो डालो, ये ब्लॉग का फायदा उठा रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, ये ले चले बस, सही है, ये इनके लिए लाए तो इसलिए इनका दिल बेचारी का। चलो ये हम थोड़ी सी साइड, मुझे लगा सारी डलनी है तभी मैंने उसको पूरा काट दिया था, अब मैं इसको थोड़ा आधा काट दिया। ये सारे खुल भी नहीं सकते दबा के हंसती अपने अपने नहीं, हमें हंसी भी तेज आती है, फिर हमारे भाई कहेंगे ओवर हो गए, इसलिए हम लोग कम कम हंसे।
ये देखिए फिर हाथ आ गया इनका, इनका ऑल टाइम हाथ रहता है, वो नहीं होता है भर दे झोली, ये वो हिसाब है। ये ले इतना बड़ा था, पता नहीं क्या, बस ये ले, ये ले, फिर आ गया आपके नसीब में ये बड़े बड़े हैं। चलो सही हो गया, थोड़ा सा ये हरा धनिया। अब पता है बहन भाइयों की मस्तियां तो चलती रहती हैं, बस हम लोग भी ऐसी मस्तियां करते रहते हैं। थोड़ा सा ये भी डाल दें, ये दूसरी रेसिपी का है पर हम इसमें थोड़ा सा अच्छा करने के लिए डाल रहे हैं। ये एक रेसिपी तैयार हो गई, देख लीजिए। सबसे पहले हमने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाले, फिर उसमें टमाटर को बिल्कुल मेश किया। मेश करने के बाद फिर हमने उसमें पिसी मिर्च, कुटी मिर्च, इसके अंदर पिसी मिर्च, कुटी मिर्च, हल्दी, नमक, ये डाल के आपने अच्छे से इसको मिलाना है। पिसी मिर्च कुटी मिर्च आपके हिसाब से डालें, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो ज़्यादा डालें। फिर अब हम इसमें हमने इसमें बस उस पर पानी डाल के थोड़ी देर हमने छोड़ दिया ताकि थोड़े से इसमें टेस्ट जब्ज हो जाए। ये हमने इसमें इमली का पेस्ट भी डाल दिया और बस इसके बाद हम चूल्हा बना, इसके बाद हमने चूल्हा मिक्स करने के बाद सही टमाटर के बाद इसको डिश आउट कर दिया। बस इसके बाद ये हो गया थोड़ा सा, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद जो ऊपर से सब चीज़ें डालेंगे वो अभी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे खट्टे आलू हमने निकाल लिए हैं, अब क्या डालना है इसके बाद? प्याज ऊपर से डालेंगे, प्याज ऊपर से ऐसे प्याज डाल दी, ये हमने प्याज डाली, उसके बाद हरा धनिया, उसके बाद हरी मिर्च, हरा धनिया। ये तैयार है हमारा चाट, ये दूसरी चाट, एक खट्टी चाट, एक इमली चाट, एक टाटरी चाट है ना, वो फ्राई चाट है। अच्छा, बट फ्राई चाट है, गिली चाट, चाट मसाला डाला नहीं, वो फ्राई चाट, ये गिली चाट, ये इमली चाट, वो टाटरी चाट। और इसमें और क्या डालेगा? ये भी डालेगा, नहीं नहीं बस बस ये हो गया, हो गया। तो ये देखिए हमारी दोनों चाट तैयार हो गई, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, हम बहन भाइयों का प्यार भी अच्छा लगा होगा। अल्लाह हमारा प्यार ऐसी सलामत रखे, आमीन सुमामीन, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।